हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। आज का जो वीडियो है वो रिजर्वेशन को लेकर के है, यानी कि दोबारा यहाँ पर हम जो है बिहार शिक्षक भर्ती में जो रिजर्वेशन की जो पॉलिसी काम कर रही है उसको लेकर के यहाँ पे बात करने वाले हैं। और ये वीडियो सिर्फ बिहार शिक्षक भर्ती के लिए उपयोगी ही नहीं है, देश में हो रही किसी भी प्रकार की जो भर्ती है, ठीक है, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, चाहे रेलवे की भर्ती हो, चाहे बैंक की भर्ती हो, चाहे स्कूल या कॉलेज में एडमिशन को लेकर के हो, उन सभी जगहों पर जो है इस समय एक नई पॉलिसी काम कर रही है रिजर्वेशन को लेके, और वो है ओवरलैपिंग पॉलिसी। ओवरलैपिंग पॉलिसी इतनी खतरनाक है कि ओवरलैपिंग पॉलिसी के तहत ही सारी भर्तियां की जा रही हैं, सारे प्रवेश स्कूल कॉलेजेस में जो है दिए जा रहे हैं, और जिससे जो योग्य अभ्यर्थी हैं वो बाहर हो जा रहे हैं। यानी कि जो अनरिजर्व सीटें हैं उस पर जो है बाकी कैटेगरी के योग्य अभ्यर्थी जिनकी मेरिट बहुत हाई है वो नहीं जा पा रहे हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर जो है यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो हमारा चैनल टेट फैक्ट एकेडमी है वो एकमात्र ऐसा चैनल है जिसने ओवरलैपिंग पॉलिसी को लेकर के जो है आवाज़ उठाई है, और बिहार शिक्षा विभाग में महिला आरक्षण को लेकर के या अन्य कैटेगरी के आरक्षण को लेकर के भी जो है बीते दिनों में जो है कुछ न्यूज़ सामने आई है कि आरक्षण का लाभ किस प्रकार दिया जाएगा, किस प्रकार नहीं दिया जाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल टेट फैक्ट एकेडमी के कारण ही हो पाया है। और भी बहुत सारी चीज़ें बिहार शिक्षक भर्ती में जो सामने आई हैं वो हमारे चैनल पर उठाई गई आवाज़ों के चलते ही जो है आपके सामने आई हैं। जैसे बिहार शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार है उसको लेकर के जो कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि मैंने अभी तक सारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करके रखे हैं जो बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित वीडियो बनाते हैं, और उन पर कभी भी किसी भी YouTube चैनल ने इस तरीके से वीडियो नहीं बनाया। टेट फैक्ट एकेडमी एक मात्र अकेला ऐसा चैनल है जिस पर कम से कम तकरीबन 100 के आसपास वीडियो जो हैं बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित वीडियो अपलोड हैं, और पूरी की पूरी बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में पूरी जानकारी, पूरा विवरण हमारे चैनल पर उपलब्ध है। कुछ कारण था कि अभी हम वीडियो बनाना बंद कर दिए हैं बिहार शिक्षक भर्ती पे, और अभी हम आपसे एक रिव्यू लेंगे और देखेंगे कि आप क्या सोचते हैं हमारे चैनल के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे कि बिहार शिक्षक भर्ती पे वीडियो बनाना है कि नहीं बनाना है। लेकिन आज जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो आरक्षण को लेकर कर रहे हैं, रिजर्वेशन को लेकर के कह रहे हैं कि शिक्षक भर्ती में जो रिजर्वेशन पॉलिसी अभी जो अपनाई जा रही है वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। क्योंकि ओवरलैपिंग पॉलिसी पे तकरीबन मैंने 2 या 3 वीडियो बनाए थे, और शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण को लेकर भी मैंने वीडियो बनाया था, और यहाँ पर एक नया अपडेट हम आपको जो है देने जा रहे हैं जो कि ओवरलैपिंग पॉलिसी के बारे में ही है। यहाँ पर ओवरलैपिंग पॉलिसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है, और ये आदेश जो है मैंने जो है सोशल मीडिया के माध्यम से जो है निकाला है, और ये मेरे पास करीबन 2-3 हफ्ते से रखा हुआ था। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि इस पर जो है वीडियो बना दें, तो समय का इंतजार कर रहे थे, और अब वो समय आ गया है कि ओवरलैपिंग पॉलिसी का जो काट है जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है उसको सार्वजनिक कर दिया जाए और सब लोगों के सामने वो आना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं जो इनके बारे में जो है ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं कि ओवरलैपिंग पॉलिसी क्या होती है, ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। वो सिर्फ अपने जो है काम करने के चक्कर में लगे रहते हैं कि किसी तरह नौकरी लग जाए, किसी तरह एडमिशन हो जाए, तो यहाँ तक ही नहीं है, आपको जागरूक होना पड़ेगा। तो आज का जो वीडियो है वो ओवरलैपिंग पॉलिसी की काट को लेकर के आया हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से ये कह दिया है कि ओवरलैपिंग पॉलिसी का मतलब ये नहीं होता है कि किसी योग्य अभ्यर्थी को, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो और चाहे वो पहले आरक्षण का लाभ ले चुका हो, उसको अनरिजर्व की सीट से बाहर कर दिया जाए अगर उसकी मेरिट ज़्यादा है तो भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है कि अगर किसी अभ्यर्थी ने अपनी कैटेगरी में पहले आरक्षण का लाभ ले लिया है और उसके मेरिट अंक ज़्यादा हैं तो आप उसे अनरिजर्व सीट पर आने से रोक नहीं सकते। और इसी निर्णय को हम आपको अभी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं कि वो निर्णय जो है क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने ओवरलैपिंग पॉलिसी को लेकर क्या कुछ कहा है। तो आइए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आरक्षण नीति का मतलब मेरिट की अनदेखी नहीं हो सकता है। आइए देख लेते हैं आगे क्या डिटेल्स हैं। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन सार्वजनिक सेवाओं में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की व्यवस्था है। इसे किसी कठोर बनी बनाए स्लॉट की तरह नहीं देखा जा सकता जिसमें अभ्यर्थी की मेरिट उसे खुली सामान्य श्रेणी में आने से रोकती हो। न्यायमूर्ति भट्ट ने यह भी कहा है कि ऐसा करने का नतीजा सांप्रदायिक आरक्षण होगा, जहाँ हर समाज का हर वर्ग अपने आरक्षण के दायरे के भीतर ही रह जाएगा।
ऐसा करने से मेरिट की उपेक्षा होगी, इसलिए ओपन कैटेगरी सबके लिए खुली होनी चाहिए। सिर्फ मेरिट ही वह शर्त हो सकती है जिसके आधार पर उसे इसमें शामिल किया जा सकता है, भले ही किसी भी तरह का आरक्षण का लाभ उसके लिए उस वक्त उपलब्ध हो। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व कर्मचारी के विशेष कोटे के तहत महिला कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के तरीके से विवाद हुआ था। अतः यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर कोई व्यक्ति आरक्षण का लाभ पहले ले चुका हो और उसकी मेरिट हाई हो तब पर भी उसे अनारक्षित सीट पर जाने से नहीं रोका जा सकता है। और आइए आगे क्या कहा है वो भी देख लेते हैं। राज्य की नीति है कि जनरल कैटेगरी के कट ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी पुरुष उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, जबकि महिला अभ्यर्थी के लिए नियम नहीं है। इसके बाद हाईकोर्ट ने भी कई बार कहा कि मेरिट में ऊपर जाने वाले एससी एसटी और ओबीसी अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी या ओपन कैटेगरी में शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसा करके वह आरक्षित वर्ग के अन्य अभ्यर्थियों के लिए सीट खाली कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से स्पष्ट हो गया है कि अगर कोई अभ्यर्थी किसी कैटेगरी से आता है और उसकी मेरिट हाई है और उसने पहले से आरक्षण का लाभ ले रखा है तब पर भी आप उसे अनारक्षित सीट पर चयन होने से जो है नहीं रोक सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा और ऑल पर क्लिक करिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।